तो यार हो कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैंने एक हॉलीवुड मूवी थिएटर्स में जाकर देखी, वो भी सुपर हीरो वाली, और उसमें सुपर हीरो भी द रॉक भैया है। तो मैं बात कर रहा हूँ द रॉक की, ब्लैक एडम की। तो फाइनली ब्लैक एडम आपके नजदीकी सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है हिंदी, इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ। तो इस पर बात करेंगे कि क्या था, क्यों था और कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी स्पॉइलर। तो बेसिकली ब्लैक एडम डीसी कॉमिक्स पर बेस्ड एक सुपर हीरो मूवी है, जिसमें कि हमको कहानी देखने को मिलती है एंटी हीरो ब्लैक एडम की। लेकिन जितना मुझको पता है, हालांकि मैंने कॉमिक्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम कॉमिक्स में कोई एंटी हीरो नहीं होता, वो सुपर विलन होता है। लेकिन मूवी में आपको ब्लैक एडम एक एंटी हीरो देखने को मिलेगा, और जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ रखी है उनको प्रोबेबली पता होगा। तो ब्लैक एडम को एक सुपर विलन से एंटी हीरो क्यों बनाया गया, वो तो आपको रॉक भैया ही बताएंगे। और अब अगर मैं आपको ब्लैक एडम की थोड़ी बहुत स्टोरी बताने जाऊं, चिंता मत करना यार, स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो बेसिकली ब्लैक एडम मूवी ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी है। अगर ये मूवी देखने से पहले शज़ाम मूवी देख लोगे तो थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। तो अब ब्लैक एडम हजारों सालों के बाद फिर से वापस आ चुका है, तो उसको रोकने के लिए जाते हैं जस्टिस सोसाइटी की टीम, जिसमें कि हमको देखने को मिलते हैं हॉकमैन, डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर और साइक्लोन। तो ब्लैक एडम इतने सालों के बाद वापस कैसे आया, और वो अब तबाही क्यों मचा रहा है, और जस्टिस सोसाइटी के मेंबर क्या उसको रोक पाएंगे, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो ये मूवी ब्लैक एडम की ओरिजिन तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमको दूसरी सुपर हीरो वाली टीम दिखाई गई है जस्टिस सोसाइटी, उसके लिए भी एक ओरिजिन मूवी ही बन जाती है, क्योंकि इससे पहले हमने उनको कहीं देखा ही नहीं। पहली बार इस मूवी में उनका डेब्यू, उनकी टीम बनी है, तो ये मूवी इनके लिए भी एक ओरिजिन ही हुई। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जस्टिस सोसाइटी के जो मेंबर है उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस 5 मिनट में सब कुछ बता करके निपटा दिया गया। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स को और थोड़ा टाइम देना चाहिए था, उनको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, और जिसके लिए आप इस मूवी को दिल खोल कर देख सकते हो, वो है इसका एक्शन। मूवी एक्शन से शुरू होती है और एक्शन पर ही खत्म होती है, तो भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, और जो एक्शन में वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स हैं काफी जबरदस्त है, जिससे कि एक्शन सीक्वेंसेस रियल लगते हैं। तो मूवी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है कि थोड़ी स्टोरी, थोड़ा एक्शन, फिर स्टोरी, फिर एक्शन, फिर स्टोरी, फिर एक्शन, और मूवी खत्म। तो मैं बात कर रहा था कि इसका एक्शन काफी लाजवाब है, तो एक्शन तो काफी लाजवाब है, लेकिन जो इसकी स्टोरी है वो लाजवाब नहीं है, और एक्शन को ज्यादा दिखाने और उसके ज्यादा होने से मूवी की स्टोरी पर इफेक्ट पड़ा है। तो स्टोरी के मामले में मूवी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। तो हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच जो नोकझोंक दिखाई गई है वो काफी अच्छी थी, और जो डॉक्टर फेट्स के एक्शन सीक्वेंसेस में विजुअल इफेक्ट्स हैं काफी अच्छे थे, डॉक्टर स्ट्रेंज की याद दिला देंगे, ये कंपैरिजन नहीं था। और एटम स्मैशर जिसको कि कॉमेडी पंचेस के लिए ही रखा गया था, तो बहुत हद तक वो हिट करते हैं, लेकिन सभी नहीं। और इन सब के बाद साइक्लोन, जिसका मेरे को फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा लगा, उड़ते हुए कलर्स से चीजें को फेंकना काफी अच्छा था। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जस्टिस सोसाइटी की टीम को मूवी में टाइम नहीं दिया गया, लेकिन मूवी खत्म होने तक फिर भी आप उनसे कनेक्ट कर लेते हो। तो मैंने ब्लैक एडम मूवी हिंदी डब के साथ देखी, तो इसका हिंदी डब कैसा था? तो ब्लैक एडम की वॉइस जिस बंदे ने दी है वो तो काफी कमाल का था, लेकिन जो और मेंबर्स की वॉइस थी वो ठीक ठाक ही थी, बस काम चल जाता है, तो हिंदी डब ठीक ठाक ही है। और मूवी का क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, पहले प्रिडिक्ट कर लोगे ही क्या होगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्लैक एडम मूवी अच्छी तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो अगर मूवी को एक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो तो जाओ, वो आपको भरपूर मिलेगा। और मूवी को फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मूवी में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, और मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, उसको जरूर देखना। तो वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर कहीं से भी नया आगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद। Soy Matías.